दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कॉइन हाई स्ट्रीट कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। अभी करेंटली इसकी प्राइस 4 USDT के अराउंड देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, एक अच्छा खासा मूवमेंट इसकी प्राइस में नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में अभी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस में हमें ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। एक अच्छी अपोस्टी है, एक अच्छे डिप के अंदर ये कॉइन हमें मिल रहा है, एक अच्छे खासे डिस्काउंट के अंदर ये कॉइन मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस कॉइन के अंदर एंट्री देख रहे हैं, जो लोग भी इस कॉइन को बाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, कौन से एरियाज़ पर आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी है, और आने वाले दिनों में इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज़ पर नज़र बनाए रख सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले, अगर आपने अभी तक कॉइन D6 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कॉइन D6 ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि करेंटली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो पर TDS लगा रही है 25%। जो अदर एक्सचेंजेस है, इंडिया के बाहर के एक्सचेंज है, उनसे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 25% का TDS लगाना हर ट्रांजेक्शन पर 25% का। तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज है, अच्छा एक्सचेंज है, अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओवरऑल अच्छे कॉइन्स यहाँ पर लिस्टेड है। और अगर आप रेफरल करते हैं अपने दोस्तों को तो वहाँ पर आपको 300 रुपये का शिबा इनू टोकन पर रेफरल मिलेगा। तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तभी आपको ये इसमें साइन अप बोनस भी 100 रुपीज़ का इथेरियम आपको देखने को मिलेगा। अभी करेंटली 4.16 पर गया था और 4 USDT पर ट्रेड कर रहा। प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.7 USDT पर आई थी, 3-4 दिन वहाँ पर सस्टेन किया और वहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट है, लेकिन कोई ज़्यादा बुलिश मूवमेंट नहीं है। प्रीवियसली अगर देखें तो 8.7 USDT वाला एरिया तक इसकी प्राइस गई थी, 2 बार इस एरिया को ट्राई किया था। और उससे पहले के टाइम फ्रेम की अगर बात करें, जो डिप थी प्रीवियसली, उसमें 3.47 वाला लो बनाया था। यानी करेंटली जो प्राइस है ऑलमोस्ट उसी एरिया पर आ गई है, ऑलमोस्ट 8.7 से प्राइस हाफ हो गई है, उसी एरिया पर प्राइस आ गई है। यानी कि एक अच्छी जो डिप हम कहते हैं, उस डिप के अंदर ये कॉइन है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, जिन लोगों ने ऊपर की तरफ बाई नहीं किया है, जल्दीबाजी नहीं की थी, और जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि किस टाइप से हम आपको एंट्री पॉइंट शेयर करते हैं, और उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंट्री लेनी है, 4 USDT पर करेंट प्राइस चल रही है, यहाँ पर ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रिस्क की एंट्री नहीं है, नॉर्मल रिस्क की, जितना थोड़ा बहुत अगर प्राइस नीचे जाता है तो वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी मार्केट पूरी तरह बुलिश नहीं हुआ, सिर्फ ये फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया है उसकी वजह से इस मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 20% 15% सारे कॉइन्स में अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो ये BTC की हिस्ट्री में, क्रिप्टोकरेंसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं। तो वो सबसे ज़्यादा अभी तक जो ईयर 2000 है उससे अभी तक का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का। तो यहाँ पर इस कॉइन के अंदर आप 4 USDT पर एंट्री ले सकते हैं, और अभी करेंटली अगर बात करें तो 4.3 USDT इसका सपोर्ट एरिया था, ये वाला एरिया था इसको सपोर्ट एरिया, और इसको ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो करेंटली वो इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से उसको बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है ये वाला एरिया। अब इससे नीचे की अगर बात करें तो 3.5 USDT एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, उसको ट्राई नहीं किया है, प्रीवियसली इसने ट्राई किया था और यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 दिन सस्टेन किया था। 3.5 USDT वाले एरिया की अगर बात करें तो 15 दिन तक इसने इसी एरिया पर सस्टेन किया था और फिर एकदम हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिला था। तो यहाँ पर 4 USDT पर फर्स्ट एंट्री ले, 50% पार्ट से पूरा अमाउंट नहीं डालना है। उसके बाद प्राइस अगर नीचे आती है, जैसे 3.7 तक गई थी प्राइस, 3.75 तक, तो इस टाइप से अगर प्राइस एक्शन, जैसे BTC में थोड़ा मूवमेंट है, BTC को हर बार 40,000 से रिजेक्शन देखने को मिला, हार्डली रिजेक्शन, और बार बार ट्राई कर रहा, बार बार उसको हिट कर रहा, तो अगर इस बार ब्रेक करता है तो 42-43 चला जाएगा। ब्रेक नहीं करता, आज भी ट्राई किया है, तो जैसे कोई सी दीवार रहती है या इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, हम उसमें बार बार हथौड़ा मारते हैं, 5-6 बार में वो टूट जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो। इसी टाइप से यहाँ पर भी टेक्निकल चीज़ें कि वो रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहा, बार बार हिट कर रहा, वहाँ से वो रिजेक्ट हो रहा, लेकिन अगर अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, कुछ इस टाइप की न्यूज़ वॉल्यूम आ गया, इस टाइप की न्यूज़ आ गई, तो उससे यहाँ पर इम्पैक्ट अच्छा रहता है और प्राइस
ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेक हो जाता है, इसी तरह सपोर्ट का भी रहता है। तो अगर ये हुआ बहुत अच्छी बात है, प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइस यहाँ पर 4 यूनिटी से नीचे आती है, तो 3.7 के अराउंड आपको एंट्री लेनी है। सेकेंड एंट्री 30% पार्ट से, फर्स्ट एंट्री 4 यूनिटी पर 50% पार्ट से, सेकेंड एंट्री 3.7 पर 30% पार्ट से, और अगर सपोर्ट एरिया तक ये ट्राई करता 3.5 तक, तो आपको थर्ड एंट्री लेनी 20% पार्ट से। ये तीन एरियाज पर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए एंट्री लेनी है। जो मैंने आपको परसेंटेज बताया, परसेंटेज आप अपने हिसाब से 60-20-20 कर सकते हैं चाहे तो, या फिर 50-20-30 कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। बाकी ओवरऑल खुद के दिमाग से काम करें, खुद का रिसर्च करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, प्रॉपर एनालिसिस करें चीज़ों को, और कितना आप यहाँ पर होल्ड कर पाते हैं अगर बाई चांस मार्केट पेरिश होता है, तो वो भी चीज़ें डिपेंड करती है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बाई सेल करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें।